Hey guys, welcome back to another episode. So, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, so, कैसे हो आप सब? I hope आप लोग अच्छे हो। तो आपको ब्लेस फिर से हाजिर है न्यू ब्राइट एपिसोड के साथ। तो गाइस यार, जैसा कि आप सब जानते हो कि हमारा वाइट TS10 की सीरीज पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल यार गाइस यार, हम लोग TS10 की बहुत सारी अटैकी स्ट्रेटजी आप लोग को बताने वाले थे। ओवरऑल पहला आप लोग को मैंने कमेंट में बोला था कि भाई आप लोग ने कमेंट में बताओ कि भाई कौन सी अटैकी स्ट्रेटजी की जाए। तो बहुत सारे भाई लोग बोलता है कि कमेंट में यार भाई विदाउट एंड वॉर एंड हीरोज अटैक स्ट्रेटजी करो, विदाउट हीरोज अटैक इन वॉर में। सो गाइस यार, वॉर एंड सोने पे सुहागा है, यहाँ पे वॉर भी चल रहा है और वॉर में भाई डिफेंस भी हमारे बीच यार इतनी हाईटेक है कि भाई मेरी पुंगी बजने वाली। बट मैं पूरी कोशिश करने वाला हूँ इस बेस पे 3 स्टार करने। ओवरऑल इस बेस पे कौन सी अटैक स्ट्रेटजी करने वाला हूँ वो मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। फिलहाल मैं क्या CC यूज करने वाला हूँ, किस तरीके से करने वाला हूँ 3 स्टार। देखो यार, मैं करता हूँ PC से अटैक, तो आप लोग यार मोबाइल से अटैक करना बहुत ही इजीली होगा। बट यार मैं कर रहा हूँ PC से, और इसमें क्या CC ले जानी है, किस तरीके से, तो मैं देखो यहाँ पे बैट स्पेल है प्लस ये ट्रूप्स है 2 बेबी ड्रैगन 4 पिका एंड 6 विच और भाई 8 बॉलर। ठीक है, यहाँ पे आपको 1 रेंज 3 फ्रीज और 6 बैट स्पेल तो मैंने ले लिया है। ठीक है, अभी गाइस यार यहाँ पे हमारे बीच यार देख रहे हो ट्रूप्स एंड हीरोज तो है नहीं, लगा हुआ है जो कि भाई मैक्स कर रहा हूँ, मैक्स हो जाएगा मेरा आजकल में। तो गाइस यार यार चलते हैं, पहले हम लोग डोनेशन में क्या ले लेते हैं। डोनेशन में देखो यार, मुझे यही चीज नहीं लेनी है, मुझसे इसे हट कर लेनी है। तो यहाँ पे मुझे करना क्या है, पहले तो मैं ये नहीं लूंगा, मुझे एक लेना है रूट राइडर के साथ वल्केरी, फिर उसके बाद बॉलर, ये मुझे ट्रूप्स में CC में लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये कर लेना है। बाकी यार मुझे यहाँ पे एक बैट स्पेल ले लेनी है, बहुत जरूरी है बैट स्पेल, तो मैं यहाँ से ले लिया और यहाँ पे। ठीक है, अब मुझे करना क्या है भाई, देखो 3 फ्रीज स्पेल लिया है एंड 7 बैट स्पेल लिया, बैट स्पेल में बहुत ही कम लेवल है तो इसलिए, तो यहाँ पे मैंने 3 स्पेल लिया। तो स्पेल मेरी आई थिंक लो लेवल की है, और देख लेता हूँ मेरी स्पेल लो लेवल की है तो क्या, या मेरा स्पेल 3 लेवल की होनी चाहिए बट लो लेवल है। चलो कोई नहीं, देखते हैं भाई कितना टाइम लगेगा। फिलहाल ये ट्रूप्स है और लेट्स सी हम लोग करने का वाले हैं वो आप लोग को एक प्लानिंग बता देते हैं हम लोग को क्या क्या चीजें। प्लानिंग में हमारी सीन है कि मैं एक बेबी ड्रैगन यहाँ छोड़ूंगा जो कि ओवरऑल ये बिचार का रेंज में बाहर रहेगा और यहाँ पे फनल बनाएगा। बाकी यार सेम यार यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो अर्चर टावर है ना, अर्चर टावर के रेंज में आएगा बेबी, बट उतना तो फनल बना ही देगा, ओवरऑल मुझे फनल मिल जाएगी। और बाकी मैं यहाँ से सीज मशीन छोड़ूंगा, उसके पीछे पेका बॉलर बीच सारे तोड़ दूंगा ताकि यार ये इसको तोड़े ऐसे तोड़ते हुए अंदर की ओर जाए। और यहाँ पे जब कंपार्टमेंट साफ हो जाएगा तो फिर मैं बैट स्पेल इस साइड से लॉन्च करूंगा इधर, तो देखते हैं लेट्स सी कर पाते हैं। सो गाइस हम लोग आ चुके हैं गेम के अंदर, और सबसे पहला हम लोग ने बोला था कि बेबी ड्रैगन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, एक बेबी ड्रैगन यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ओके, अभी गाइस यार हम लोग एक पिक्का ड्रॉप करेंगे, एक पिक्का इधर ड्रॉप करेंगे और यहाँ पे सीज बैरिक मशीन ड्रॉप करेंगे, पिक्का पिक्का विचेज 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 विचेज। ठीक है, बॉलर पूरी के पूरी अंदर की ओर, देखते हैं क्या होता है गाइज। अभी तो यार पूरी की पूरी सिंगल इन फॉर्मर, बट कोई टेंशन नहीं, बॉलर अंदर की ओर ही जाएगी आई थिंक। नाइस वन, बॉलर अंदर की ओर जाओ कमीनो, क्या कर रहे हो भाई, बॉलर जाएंगे ही नहीं यार। ओके, कोई नहीं, चला जाता हूँ किसी की धुन में। ओके, यहाँ पे ये हो चुकी है बैट स्पेल, मुझे अब आई थिंक इधर करनी पड़ेगी वरना ये खतरों के खाली नहीं होंगे, इनको फ्रीज करेंगे भाई साहब को। अरे 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 बापू जी, कितना धीरे मारो, बहुत तेज मार रहे हैं भाई, बैट स्पेल बहुत तेजी से मार रहे हैं भाई। एक फ्रीज स्पेल है, मैं ज़्यादा बर्बाद नहीं करने वाला, एक फ्रीज स्पेल को सही तरीके से छोड़ने वाला था। आई थिंक पूरा भाई हो चुका है, 3 स्टार हो सकता है और 3 स्टार हो जाएगा क्या, 2 अर्चर है यार, बहुत दिक्कत भी हो सकती है भाई साहब। ओके नाइस वन, अब टूट जाएगा गाइस, अभी फाइनली ये हो गई 3 स्टार। ओवरऑल कैसा लगा आप लोग को ये अटैक की सजी,
मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल ये बहुत इजी अटैक की स्ट्रेटजी है। आप लोग बैट प्लस पिच और बॉलर अटैक की स्ट्रेटजी करो, बहुत ही गजब। तो यहाँ पे ओवरऑल मैंने विदाउट हीरोज अटैक की स्ट्रेटजी आप लोग को वॉर में दिखा दिया। अभी गाइस यार कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो नेक्स्ट अटैक की स्ट्रेटजी भी दिखाते हैं हम लोग, नेक्स्ट ट्रूप सेम ट्रूप से नेक्स्ट एक और अटैक की स्ट्रेटजी करेंगे। इस बार हम लोग थोड़े से डिफरेंट होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं बेस। अभी इस बेस की प्लानिंग क्या करनी है मुझे, तो यहाँ पे देखो यार ये बेस है ना, हम लोग को फनल बनाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो ओवरऑल फनल बेस्ट होनेंगे, तो यहाँ से मैं एक बेबी डालूंगा, यहाँ से एक बेबी डालूंगा ताकि अच्छे से फनल बने, और यहाँ पे मैं सीज बैरक मशीन छोड़ूंगा ताकि ये अंदर की ओर जाए। और यहाँ पे आने के बाद ये ना यहाँ पे एकदम एग्जैक्ट मुझे भाई एंड सुपर विचार्ट, या मैं सोच रहा हूँ ये रूट राइडर ही डाल दू। रूट राइडर इज द बेस्ट, या रूट राइडर परफेक्ट होगा, और रूट राइडर ही ठीक लग रहा है। रूट राइडर से बढ़िया या मैं सुपर विचार्ट डाल दू, सो देख लेते हैं। या वल्केरी, वल्केरी इज द बेस्ट, ठीक है तो मैं देख लेता हूँ वन सेकेंड। बट यार रूट राइडर परफेक्ट है, बॉलर भी है, सब कुछ है यार परफेक्ट। ओके यार यहाँ पे तो यार भाई खतरा हो गया। अरे बाबा ये क्या सीन है, ये क्या देखने वाला भाई, भाई क्या होगा भाई 28, ओ माय गॉड भाई लूट ही नहीं जाएगा। अरे बाबा क्या होगा सेट, यार भाई बहुत गलत हो गया यार। तो भाई साहब आज तो लूट नहीं जा पा रही है, अब लूट कैसे, मतलब सीसी मतलब जा ही नहीं पाएगी, कैसे लूं किससे लूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। बाकी यार मैं यहाँ पे सीसी ले कैसे लूं यार। गाइस यार मेरे पास बस एक रूट राइडर ही ले जा पा रहा हूँ, तो ओवरऑल मुझे यार बहुत दिक्कत होने वाली है यहाँ पे लूट के लिए। और मैं बस मेरे पास यार ट्रूप्स नहीं है सीसी में, बस एक रूट राइडर ही ले जा सका हूँ मात, तो मैंने एक रूट राइडर ही लिया है। और कोई स्पेल भी नहीं ले पा रहा हूँ, बैड स्पेल भी नहीं है, तो इस वाले डिफेंस पे अटैक करना है मुझे। और ये डिफेंस कुछ ज्यादा ही हैवी है, और इस डिफेंस पे यार बहुत दिक्कत होने वाली है। फिलहाल मुझे यहाँ पे अटैक करना बहुत ही मुश्किल हो पाएगा, क्योंकि यार मेरे पास सीसी है नहीं, और सीसी के बिना मैं अटैक कर भी नहीं पाऊंगा। तो बट यार मैं कोशिश पूरा करूंगा कि इस अटैक की स्ट्रेटजी पे, तो चलो यार देखते हैं। बाकी यार मेरे पास यार ना फ्रीज स्पेल भी रही है एंड बैड स्पेल, बहुत दिक्कत होने वाली है। तो देखते हैं यार जो भी होगा सो होगा, देखते हैं एंड अटैक करते हैं, लेट्स सी और कर पाएंगे कि नहीं थ्री स्टार। अगर ये मैं इस पे थ्री स्टार कर दिया तो गाइज यार प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और नहीं कर पाया तब भी कर देना यार, क्या जाता है आप लोग का। तो लेट्स सी चलो चलते हैं। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम लोग, और जैसा कि मैंने बताया था भाई फनल पहले बनाऊंगा। फनल यहाँ पे एक बेबी ड्रैगन डालूंगा, एक बेबी ड्रैगन यहाँ पे डालूंगा, और यहाँ पे बेबी ड्रैगन भाई मार उसको, कहाँ जा रहा है यार बेबी ड्रैगन। नाइस ओके, बेबी ड्रैगन तो अच्छा फनल बना रहा है। बाकी यार एक पिक का, एक पिक का, और यहाँ पे सीज बैरक मशीन, पिक्का पिक्का बीचेस बॉलर्स। चलो अंदर की ओर ही जाएंगे, आई थिंक अंदर की ओर ही जाएंगे सारे, अभी तक तो सही जा रहे हैं सारे के सारे ट्रूप्स। बट यही है यहाँ पे एक रेंज भी जाएगी, और भाई कुछ भी कहा नहीं जा सकता। सो ओवरऑल थ्री स्टार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है गाइस। सिंगल इनफानो एंड यार गाइस यहाँ पे इसको फ्रीज करेंगे। चलो 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 भाई, ओके नाइस वन, यहाँ पे ये तो बढ़िया निकाल दिया, एक्सपो निकल गई भाई। रूट राइडर मर चुके हैं भाई, एक वल्केरी और एक बैट इस पे लाता ना, तो आई थिंक ये थ्री स्टार था भाई, सीरियस बता रहा हूँ। एंड वल्केरी अपना मिस कर रहा हूँ, वल्केरी रहता ना तो ये थ्री स्टार था एंड रियली, और एक फ्रीज स्पेल भी रहता तो भी, तो थ्री स्टार था, फिक्स था। फिलहाल देख रहे हो एकदम यार कोशिश पे था, और भाई बहुत सारे विचेस के ये बच्चे भाई बचे हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो दो विचेस भी बची हुई है। थ्री स्टार था यार ये, कुछ भी कहो यार ये थ्री स्टार था, और थोड़ी सी मिस हो गई। बट यार अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि यार देखो ये नहीं यार, ये मोटार बचा हुआ है, ये मोटार नहीं ये भैंस की टांग, ये बहुत ही गंदा काम करता है। फिलहाल यहाँ पे देख रहे हो अटैक मस्त वाली चल रहा है बॉलर द्वारा, अच्छा खासा धूप चल रहा है। बीच यार अकेले मत जा प्लीज भाई, बीच की तो लुटिया फटने वाली है। लो भाई खत्म, बॉलर भी जाएगा पिटेगा, बॉलर भी पिटेगा पिटेगा गंदा पिटेगा, मैंने बोला था बॉलर भी पिटेगा। बाकी यार ये बच्चे ना बहुत अच्छे से भाई काम कर रहे हैं,
और परसेंटेज मैंने अच्छा ला दिया यार विदाउट हीरोज और प्लस सीसी सीसी भी ज़्यादा हैवी मेरे पास सीसी नहीं थी फिलहाल विचेज अंदर की ओर जा रहे हैं ओके ओ ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 ये नहीं रहता ना तो चांसेस रहता थोड़ा सा ओवरऑल 89% मैंने लाया सो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में बताना आई होप आज की स्ट्रेटजी आप लोग को ये अच्छी लगी होगी और भी कोई न्यू स्ट्रेटजी होगी जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा तो मैं उसको आप लोग को दिखाऊंगा सो मिलते हैं एंड नेक्स्ट अटैक स्ट्रेटजी के साथ और नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट रोमांचक अटैक स्ट्रेटजी के साथ सो फार्मिंग अटैक स्ट्रेटजी इसके बाद दिखाएंगे आप लोग को फार्मिंग अटैक स्ट्रेटजी कौन सी यूज करें जिसमें फार्मिंग अच्छी हो लूट अच्छी हो आई थिंक बहुत सारे लोग यार लूट के लिए मांग रहे थे तो लूट अच्छी हो ऐसी देख रहे हैं बता रहे हैं आप लोग को ठीक है तो लूट के लिए मैं देखूंगा और फिर आप लोग को बताऊंगा सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत एंड जय महाराष्ट्र लव यू गाइस टेक केयर बाय बाय।